गवर्नेंस और सोशल ऑडिट। आज ई गवर्नेंस की मदद से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य की मॉनिटरिंग बड़े अच्छे ढंग से हो रही है, इसलिए मनरेगा और पीएम आवास जैसी योजनाओं से जुड़े कार्य भी आज ई गवर्नेंस की सहायता से पंचायतें कर रही हैं। इन सभी विकास कार्यों को करने के लिए पंचायतों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में यह जरूरी है कि पैसों के साथ साथ जवाबदेही भी तय की जाए, इसलिए ई गवर्नेंस के तहत इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं के परिणामों को जानने के लिए समय समय पर ऑडिट कार्य होते रहें। क्या है सोशल ऑडिट? लोकतंत्र के हर काम में जनता की भागीदारी जरूरी है, इसलिए पंचायतें ऑडिट कार्य में सीधे जनता को शामिल करती हैं। जनता सरकार द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब लेती है, आसान भाषा में इसे ही सोशल ऑडिट कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका ना के बराबर है, क्योंकि सोशल ऑडिट का कार्य किसी एक आदमी द्वारा नहीं बल्कि लोगों के समूह द्वारा होता है। सोशल ऑडिट का सबसे अच्छा उदाहरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है। इस योजना में सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है। कानून के अनुसार साल में दो बार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से जुड़े कार्यों का ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट किया जाना आवश्यक है। सोशल ऑडिट करने के लिए पंचायत क्षेत्र के रजिस्टर्ड वोटर्स ही एक साझे मंच के तहत सभी कार्यों का हिसाब किताब लेते हैं। है ना ये कमाल की बात? ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत लोकतंत्र का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया क्या है, कैसे किया जाता है सोशल ऑडिट। सबसे पहले ग्राम सभा सोशल ऑडिट समिति का चयन करती है। इस समिति में आवश्यकता अनुसार 5 से 10 व्यक्ति हो सकते हैं। यह समिति जिस कार्यक्रम या योजना की सोशल ऑडिटिंग करती है उससे संबंधित सभी दस्तावेज और सूचनाएं मंगवाती है। एकत्रित दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाती है, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए उनका मिलान कार्यों की गुणवत्ता तथा लोगों के अनुभवों एवं विचारों के साथ किया जाता है। इसी जांच पड़ताल के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे ग्राम सभा की सहमति से उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाता है। सोशल ऑडिट को ई गवर्नेंस ने निम्नलिखित तरीकों से सरल एवं मजबूत बनाया है। सोशल ऑडिट में ई गवर्नेंस का महत्व, जवाबदेही के प्रति जागरूकता, जन सहभागिता बढ़ाना, कार्य एवं निर्णय प्रक्रिया आसान बनाना, अधिकारों के बारे में जागरूकता लाना, निगरानी और नियंत्रण आसान बनाना। ई गवर्नेंस से सोशल ऑडिट को लाभ, मॉनिटरिंग, फीडबैक, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ग्राम पंचायतों की मजबूती। सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स कैसे देखें? आज ई गवर्नेंस के माध्यम से हम सोशल ऑडिट की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको मनरेगा योजना का सोशल ऑडिट देखना है तो वो आप घर बैठे ही देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको नरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के लिए वेब ब्राउजर में www.narega.nic.in लिखें। आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ उपस्थित सोशल ऑडिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने मनरेगा सोशल ऑडिट रिपोर्ट का पेज खुलेगा। यहाँ आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको व्यू सोशल ऑडिट कैलेंडर रिपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सभी राज्यों की सूची खुल जाएगी।
आपको जिस राज्य की सोशल ऑडिट रिपोर्ट देखनी है उसका चयन करना है। चयन करते ही आपके सामने एक फॉर्मेट आएगा। इस फॉर्मेट में आपको फाइनेंशियल ईयर, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का चयन करना है। फॉर्मेट में फाइनेंशियल ईयर, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का चयन करने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी। इस प्रकार आप सोशल ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। ई गवर्नेंस सोशल ऑडिट हुआ आसान, हिसाब किताब रखना हुआ आसान।